यूपी की आजमगढ़ और रामपुर सीट पर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सपा चीफ अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ट्वीट कर ओवैसी ने कहा कि रामपुर और आजमगढ़ चुनाव के नतीजे से साफ जाहिर होता है कि सपा में बीजेपी को हराने की ना तो काबिलियत है और ना कुव्वत। मुसलमानों को चाहिए कि वो अब अपना कीमती वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर जाया करने के बजाय अपनी खुद की आज़ाद सियासी पहचान बनाएं और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करें। ओवैसी यही नहीं रुके बल्कि अखिलेश को अहंकारी तक बता दिया। बकौल ओवैसी, जिस सीट से अखिलेश के पिता सांसद बने वो खुद उस सीट से सांसद चुने गए, लेकिन उन्होंने खुद के चुनाव न लड़ने की बात को वहाँ की जनता को बताना तक जरूरी नहीं समझा। ओवैसी बोले कि अखिलेश के इतने अहंकार की वजह से ही सपा की हार हुई, वो अब बीजेपी की जीत के लिए किसे जिम्मेदार बताएंगे, किसे बी और सी टीम बताएंगे।